हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल अनिष्का। सो आज हम बनाएंगे ओरियो के कपकेक्स। यहाँ मैंने 10 रुपीज़ वाले 4 ओरियो के पैकेट्स लिए जो इजीली स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो 120 ग्राम्स वाले भी ले सकते हैं। तो यहाँ वन बाय वन मैं ओरियो के पैकेट्स को खोल के बिस्किट निकाल लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट जार में कर सकते हैं जो कि काफ़ी सिंपल और क्विक चीज़ होती है, बट यहाँ मैंने इसे डायरेक्ट प्लेट में निकाला है बिकॉज मुझे बताना है कैसे करते हैं। सो यहाँ हम वन बाय वन बिस्किट्स को तोड़ लेंगे। हमें इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है ताकि ग्राइंड करें जब हम, तो ये इजीली ग्राइंड हो जाए। यहाँ देखिए मैंने सभी को तोड़ लिया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ मैंने इसे 1 मिनट तक के लिए ग्राइंड किया है ताकि इसका फाइन पाउडर बन जाए। तो यहाँ देखिए इसका एकदम फाइन पाउडर बन गया, हमें ऐसे ही पाउडर चाहिए। अब हम इसमें 1/3 कप पानी डालेंगे, 1/3 कप मिल्क डालेंगे। मैंने यहाँ 1/3 कप 2 बार यूज़ किया है, आपका जितने में हो जाए उतने में कर लीजिए। अब यहाँ देखिए ये मैंने ऐसे ही बैटर चाहिए हमें। अब हम इस बैटर को, यहाँ मैंने 4 कप्स लिए, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ हम 1 बाय 1 बैटर को डाल देंगे। मैं डायरेक्ट कप में ही, हम लोग जो हैं वो कप में ही खाएंगे, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट कप में निकाला है। आप चाहें तो पहले ग्रीस कर सकते हैं ऑयल से। यहाँ मैंने 10 रुपये वाली डेरी मिल्क को मेल्ट कर लिया जो इजीली अवेलेबल होती है स्टोर्स पे। सो यहाँ मैंने डेरी मिल्क को मेल्ट करके रेफ्रिजरेटर में 10 मिनट्स के लिए रखा है, और यहाँ इसको हम अंदर डाल देंगे हमारे पेस्ट में। इससे इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत जाती है लेकिन इट्स गुड, यहाँ काफ़ी अच्छे से चली गई है। अब ये देखिए हम सभी में से डाल देंगे। यहाँ मैंने सभी में इसे अच्छे से डाल दिया है, और इसका सरफेस हम ऊपर से अच्छे से कर देंगे ताकि ये एकदम अच्छे लगे। अब यहाँ मैंने जो 10 रुपये वाली डेरी मिल्क थी उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस करके इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। ये देखिए हम थोड़ी सी मतलब 4 to 5 या जितने आपको लगे वो हम ऊपर से इसे डाल देंगे। ये देखिए मैंने सभी में डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रखा था, मैंने लगभग 6 मिनट रखा है। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट रख दी है, अब हम 1 बाय 1 हमारे कप्स रख देंगे इसमें। ये देखिए मेरे सारे कप मैंने रख दिए हैं। अब इसे हम लगभग 15 मिनट तक के लिए पकने देंगे, बेक होने देंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, आप चाहें तो टूथ पिक या फोक से चेक कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे फूल हैं। अगर आप और इसको फैलाना चाहें तो इनो या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। सो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं और चीज़ लगा रही हूँ, आप चाहें इट्स ऑप्शनल। अगर आपको वीडियो पसंद है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।